जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, कब है जम के बोलो जरा, कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा मैं स्वीकार करूं। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्त्रोत का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। आंवले का वृक्ष कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज, आंवले वृक्ष की। पर आंवला नवमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नवमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले के पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़े बड़ी गलतियां करते थे, आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया, कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी कितना कितना धर्मात्मा राजा, बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, रोज सोने के आंवले का दान करना। उसके बहु बेटा को लगा, उसके बहु बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहु बेटा को ये भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो नहीं का, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज, जोड़ा 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 जोड़ा, आखरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है, कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला, 300-400 रुपए महीना का कौन खर्चा करेगा। एक बार में लिया है, गया जी गए तब,
माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी, हो दादाजी चले गए ना उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ लो टांग। हाँ सोमाती एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आंवला नवमी साल में सिर्फ एक बार आती है, और आंवला नवमी के दिन अगर आप गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और आपके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। बहुत ही साधारण सा उपाय गुरुजी ने बताया है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के ऊपर विराजमान होते हैं। इसीलिए गुरुजी ने बताया है कि आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे घी का एक दिया जरूर लगाएं। और जो गुरुजी ने पाठ बताया है, अगर आप वो नहीं भी कर सकते तो आप आंवला नवमी के दिन एक घी का दिया आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर लगाएं, जिससे आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। इसके बाद यह मौका आपको दोबारा एक साल बाद मिलेगा, इसलिए जैसा गुरुजी ने कहा है वैसे ही आंवले के वृक्ष के नीचे एक दिया जरूर लगाएं। और साथ में गुरुजी ने एक चेतावनी भी दी है, उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। आंवले के वृक्ष की एक भी पत्ती आपको नहीं तोड़नी और ना ही आपको आंवला तोड़ना है। पूरे कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन आपको आंवले की ना तो पत्ती तोड़नी है और ना ही आपको आंवला तोड़ना है। अगर आप दीपक लगाने जाएं और साथ में कोई पत्ती तोड़ देंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, उल्टा आप पाप के भागीदार होंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि आपको आंवले के वृक्ष की कोई भी पत्ती या टहनी कुछ भी नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना है और महादेव से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में हमेशा धन और संपदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने आंवले की ही विशेषता बताई थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, आपको कुछ पूछना होता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी के कमेंट का जवाब देने की। हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय लेकर आता हूँ, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।